खबर दोपहर बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बात करेंगे पूजा सिंघल के नए पते यानी होटवार जेल की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल का नया पता अब होटवार जेल होगा। ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें 8 जून तक के लिए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया गया है। एक बार फिर आप सुन ले कि उन्हें भेजा गया बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में लिप्त है, उनका नया पता, उनका नया घर होगा बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा। आज पूजा सिंघल की रिमांड अवधि पूरी हो रही थी। मालूम हो कि 9 मई 2022 को पूजा सिंघल को ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया था। अब तक उन्हें 3 बार रिमांड पर लिया गया, पहली बार 5 दिन, दूसरी बार 4 और तीसरी बार 3 दिनों के लिए रिमांड पर ईडी के द्वारा लिया गया है। 14 दिनों तक ईडी ने लगातार पूजा सिंघल से पूछताछ की। इस दौरान उनका सीए सुमन सिंह कई जिलों के डीएमओ के सामने बैठकर पूछताछ की गई है। पूछताछ में ईडी को कई अहम सुराग और जानकारियां मिली, जिसके आधार पर ईडी ने जांच का दायरा आगे बढ़ाया। हर दिन मामले में नए नए तार जुड़ने लगे हैं, खुलासे होने लगे हैं और ईडी की जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। झारखंड की राजधानी रांची के साथ साथ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले तक ईडी की दबिश देखने को मिली है, जहां भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के साथ साठगांठ रखने वाले आरोपियों के ठिकाने पर भी छापेमारी की गई है। ईडी की दबिश हुई है। तो नए पते पर अब रहेगी पूजा सिंघल, क्योंकि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप पूजा सिंघल पर लगे हैं और हर आरोप की जांच में कई खुलासे हो रहे हैं। सीधे रुख करेंगे शहनवाज अख्तर का, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ होटवार जेल से जुड़े हुए हैं, उसके पास से जुड़े हुए हैं और उनसे ही जानने समझने की कोशिश करेंगे। शहनवाज, जिस तरह से ईडी के कार्यालय में पूजा सिंघल और भ्रष्टाचार से जुड़े तमाम लोगों से पूछताछ हुई, एक संदेश वहां से गया क्योंकि जिसमें कार्यालय बनाया गया है वो भ्रष्टाचार के पैसे से बना हुआ है और वहां पर ईडी का कार्यालय बन गया। अब होटवार जेल में पूजा सिंघल, ये एक मजबूत संदेश जाएगा उन तमाम अधिकारियों के पर जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, भ्रष्टाचार में जाकर काम करते हैं, वैसे लोगों पर कि एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जिसकी किसी भी सरकारों में पैठ रही है, आज उसका नया पता होटवार जेल। हाँ, ये तो मैसेज है और बहुत साफ मैसेज है तमाम उन अधिकारियों के लिए जो झारखंड में हैं और झारखंड में उन्होंने खूब काली कमाई अपने खुद भी की है और अपने लोगों को भी कमवाया है। अपने साथ साथ वो एक तरह का एजेंट बना करके लोगों को रखते हैं। बहुत सारे ऐसे भी आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने अपने साथ साथ खुद अधिकारी हैं, अपने सरकारी सैलरी पे हैं तो प्राइवेटली लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर सैलरी पर रख रखा है। मैं ऐसे कई लोगों के बारे में जानता हूँ। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो अब एक जगह डीसी है, उनके जब वो डीसी नहीं बने थे तो मैं उनके कार्यालय में किसी बाइट के लिए गया हुआ था। तो एक बार पहले भी गया था तो एक आदमी सामने बैठा हुआ था, दोबारा एक महीने के बाद गया तो फिर वही व्यक्ति उसी स्थान पर बैठा हुआ था। तो मेरी जिज्ञासा हुई कि मैंने पूछा कि आप कौन हैं, तो उनका परिचय दिया कि एक पेशे से इंजीनियर हैं, क्वालिफाइड इंजीनियर हैं और ये मेरे साथ रहते हैं। तो मैंने पूछा आपके साथ कैसे रहते हैं, तो पता चला कि वो उनको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे सैलरी पे रख रखा है, क्योंकि उनके पास उतनी फुर्सत नहीं है कि वो पर्टिकुलरली कोई जो प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई कहीं ठेकेदारी चल रही है, कहीं कुछ चल रहा है, तो वो सारे फाइल्स जो इंजीनियरिंग पेशे से ताल्लुक रखते हैं, एस्टीमेट से ताल्लुक रखते हैं, वो ये हजरत इसको देखते हैं, चेक करते हैं और एक तरह से अपने बॉस जो हैं, जो उनको सैलरी देते हैं, उनको बचाने के लिए सारी चीजों को चेक करते हैं कि कहीं कोई इनको बेवकूफ तो नहीं बना रहा है। इसका दूसरा पहलू ये है कि वो ये भी चेक करते हैं कि इसमें संभावनाएं हैं, इसमें आप ऐसे पैसे मांग सकते हैं, इसमें ये इसने गलती की है, इसमें इसको ऐसे पकड़ा जा सकता है। तो कोई भी आईएएस अधिकारी जब डीसी बनता है तभी से भ्रष्टाचार की दाग बेल या बुनियाद पड़ जाती है, वहीं से वो सीख जाता है कि कहां कैसे किस तरह से पैसे कमाए जाते हैं, कैसे पैसों को खपाया जाता है, सेफ कैसे रहा जा सकता है, ये सारी चीजें वो डीसी रहते ही सीख जाता है।
जो अगर कोई अधिकारी 3-4 जगह डीसी रह गया तो आप समझ लें कि वो तो पहले ही उसने अच्छी खासी कमाई कर डाली है। अब बात सचिव रैंक की आती है, तो सचिव होते होते, सीनियर होते होते बहुत थोड़ा वक्त भी लग जाता है। उसके बाद जब कोई मलाईदार विभाग का सचिव बनता है तो फिर वही नेटवर्क, वही एजेंसी और वही रास्ता जो उसने बनाया है पैसों को खपाने का, वो एक बार फिर काम आता है। यही सारी कहानी अगर आप मेरी बात को मिसाल के तौर पर मिला के देखें, बैकग्राउंडर में डाल के एक एक्शन रिप्ले करें, तो पूजा सिंघल के साथ भी वही कुछ हुआ। खूंटी में डीसी रहीं, मनरेगा घोटाला किया, चतरा में डीसी रहीं, वहाँ एनजीओ को पैसे दिए, दो दो एनजीओ को पैसे दिए, मनरेगा के पैसे दिए। तो आप समझ सकते हैं कि डीसी रहते ही एक व्यक्ति की ट्रेनिंग हो जाती है, अगर अच्छा काम करना है तो उसकी भी ट्रेनिंग वही हो जाती है, तो वो व्यक्ति बेहतरीन डीसी बनकर निकलता है, फिर बेहतरीन सचिव भी बनता है और वो इज्जत की रोटी भी कमाता है, राष्ट्र की सेवा भी। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा पे शनवाज आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, मगर आपको हम अलर्ट कर रहे हैं क्योंकि अब आप नजरें अपनी उधर बना के रखें, क्योंकि अब किसी भी वक्त आपके पास गाड़ी पहुंचने वाली है। सत्यव्रत जो है वो गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं हमारे सहयोगी, और मैं जो तस्वीरें देख पा रहा हूं अपने स्क्रीन पर कि ये होटवार का ही इलाका है, वो स्टेडियम वाले रूट में गाड़ियां घुस गई हैं शहनवाज, तो आपके पास अब कुछ ही देर में गाड़ी पहुंचने वाली है और शहनवाज ने वो फ्रेम दे दिया है जहां से गाड़ी नजर आएगी। और हमारे तमाम सहयोगी, इस कड़ी धूप में आप अगर घर से इस वक्त निकलने की सोच रहे हैं तो धूप को देखकर आप अपना फैसला बदल सकते हैं, मगर हमारे तमाम सहयोगी कड़ी धूप में लगातार सिर्फ आपके लिए, अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि दर्शकों से हमारे लिए कोई भी ज्यादा बड़ा नहीं, अपने दर्शकों के लिए धूप में कई घंटों से लगातार खड़े हैं बिना पानी पिए वहां पर, क्योंकि जहां पर वो मौजूद है वहां पानी की व्यवस्था नहीं है। और ये शहनवाज के पास, अब शहनवाज के फ्रेम से हमारे पास गाड़ी आएगी। ये शहनवाज जी, आपके पास गाड़ी पहुंच गई, संभवतः अब आपके फ्रेम से हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तो पूजा सिंघल होटवार जेल पहुंच गई है और बिल्कुल बिल्कुल मैं देख सकता हूं, दोनों इनोवा को आप देख सकते हैं, ये दोनों गाड़ियां आप देख सकते हैं शारीफ, ये गाड़ी नंबर 1 जिसमें संभवतः पूजा सिंघल ही होंगी। हाँ बिल्कुल, इसमें सिक्योरिटी अफसरान है, ये पूजा सिंघल बैठी हुई है, आप देख सकते हैं हरे लिबास में, ये पूजा सिंघल है पीछे वाली गाड़ी में। अब वो अंदर प्रवेश करेंगी, उसके बाद मैं आग्रह करूंगा अपने सहयोगी कैमरामैन से कि वो बिल्कुल अपने कैमरे को गेट पे पॉइंटेड कर लें, क्योंकि इस गेट पर पॉइंट करने के साथ ही आपको पूजा सिंघल उतर के बाकायदा अंदर जाती हुई दिखाई देंगी। और ये आपको मैं दिखाऊं कि उनकी गाड़ी प्रवेश कर चुकी है और किसी भी क्षण एंट्री पॉइंट से अंदर होते हुए गेट से, अब देखिए ये पहली गाड़ी है, इसमें पूजा सिंघल नहीं है, ये बॉडीगार्ड, और ये जो गाड़ी है ये वो जो सीधे गाड़ी जाकर के वहां अंदर प्रवेश कर रही है वही उसी में पूजा सिंघल है। देखिए अब सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और क्लोज जाकर के हम देखेंगे उनको उतार करके, उन्होंने हरे कलर का सूट पहन रखा है और ये देखिए अब ये उतर रही हैं, और उतर करके सबसे पहले तो उनके साथ जो अफसर हैं वो उतरे हैं, उसके बाद सारी प्रक्रिया शुरू होगी और ये जब सब कुछ हो जाएगा, गेट खुल जाएगा, तब पूजा सिंघल को अंदर ले जाया जाएगा। अभी बैठी हुई है पूजा सिंघल गाड़ी में, तो ये अपने ठिकाने, अपने पते पर आ चुकी हैं और अब 8 जून तक उनको यहीं रहना पड़ेगा, यहीं उनकी गुजरेंगी रातें और उनको जेल की ही सूखी रोटी से उनको किफायत करनी पड़ेगी, और वही कुछ उनको भी उपलब्ध होगा जो आम कैदियों को उपलब्ध होता है। हो सकता है कि संदेश भी देगा। सत्यव्रत किरण भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, जैसे अपने दर्शकों को बता रहे थे कि हमारे तमाम संवाददाता सिर्फ अपने दर्शकों के लिए कड़ी धूप में लगातार बने हुए कि आप तक इन्फॉर्मेशन, आप तक तस्वीरें पहुंचे। सत्यव्रत किरण कोर्ट से लेकर लगातार पूरी सुरक्षा के साथ हेलमेट पहनकर मगर बाइक से फॉलो कर रहे थे सत्यव्रत। सत्यव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, आप लगातार फॉलो कर रहे थे पूजा सिंघल के काफिले को, गाड़ी को, किस तरह से लोगों का, क्योंकि लोग आप अपने मोबाइल पर भी न्यूजीलैंड भारत को देखते हैं, तो पल पल की अपडेट्स मिल रही है कि कोर्ट से निकल गए, अब बूटी मोड़ पहुंच गए, अब खेलगांव चौक पहुंच गए,
किस तरह का पूरा माहौल आपको देखने को मिलता है? रास्ते में अगर ट्रैफिक में गाड़ी रुकती है तो लोग देखते हैं यही पूजा सिंघल है जो भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त है, क्या कुछ आपकी फाइंडिंग रही? देखिए बिल्कुल सही कहा सारी था आपने, और उस दौरान मुझे जो एक चीज देखने को मिली कि जैसे ही जो कारकेट थी ईडी की टीम जब पूजा सिंघल को लेकर सत्यव्रत हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों की वजह से उनकी आवाज कट गई। हम फिर से उनसे राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शहनवाज तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और शहनवाज से जानकारी भी लेते हैं। शहनवाज, लग रहा है जैसे कुछ कागजी प्रक्रिया चल रही है और पूजा सिंघल गाड़ी में, जैसे ही कागजी प्रक्रिया पूरी होगी पूजा सिंघल को गाड़ी से उतारा जाएगा। देखिए शारिफ, पूजा सिंघल गाड़ी से उतरकर अंदर प्रवेश कर चुकी हैं। जब आप सत्यव्रत से बात कर रहे थे आखिरी मरहले में, तभी पूजा सिंघल अंदर प्रवेश कर गई और सब कुछ अंदर जब ठीक ठाक हो गया, क्योंकि एक महिला हैं, दूसरी बात है कि बहुत सेलिब्रिटी कैदी हैं, अब उनकी चर्चा बहुत हो चुकी है तो उनकी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा जाएगा। और वैसे भी जेल का कानून भी है कि किसी व्यक्ति की जान माल की सुरक्षा जेल में की जाती है, उनको इंसान समझा जाता है और ये सुधार गृह के तौर पे इसको लिया जाता है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आया है तो वो सुधरेगा और आगे गलत काम नहीं करे, इसके लिए इसके उसकी तैयारियां होगी उसकी। बहरहाल अब ये इनोवा गाड़ी जो पूजा सिंघल को लेकर यहाँ पर आई थी, इसका आखिरी पिन नंबर 385 है, वो अब वहाँ से हट गई है और वो पार्किंग बे की में बैक हो रही है। बाकी सुरक्षा कर्मी जो उनको लेकर के आए थे, जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो फिर अधिकारी जो उनको लेकर के आए थे, तो सत्यव्रत हमारे साथ हैं यहाँ पर। आपको जो सवाल पूछे थे सत्यव्रत से वो मैं कंटिन्यू कर दूं, ताकि जो रास्ते का मंजर था, जी जी, रास्ते का जो मंजर था जब उन्हीं का बनाया हुआ पल्स अस्पताल आया, पहले तो उनका घर आया होगा, वो कोर्ट के बीच में शायद नहीं आता है, तो लोगों में क्या कुतूहल था, को क्या देखना चाहते थे? नहीं देखिए, उन्हें फिलहाल जो है वो एसएसपी जो आवास है वहां से, यानी रेडियम रोड होते हुए एसएसपी आवास करम टोली से जो है वो उन्हें बूटी मोड़ होते हुए यहाँ लाया गया है। उस दौरान जैसे ही पल्स अस्पताल जब आने वाला था, उससे पहले ही पूजा सिंघल, चूंकि पूजा सिंघल इनोवा गाड़ी के दूसरे साइड बैठी थी और पल्स अस्पताल जो है वो दूसरे तरफ था, लगातार जो है वो पल्स अस्पताल को आने से पहले ही, काफी दूर से पहले ही जो है वो अपने भ्रष्टाचार की उस इमारत को देख रही थी और अधिकारियों से शायद कुछ बातचीत भी हो रही थी इनोवा के अंदर, जो हमें दूर से देखने में लगा। तो बस वही था कि शायद पूजा सिंघल को आज अपना वो भ्रष्टाचार का पल्स अस्पताल देखकर शायद यह एहसास हो रहा होगा कि इस अस्पताल की इमारत को तैयार करने में उन्होंने जो भ्रष्टाचार के पैसे लगाए, जो अवैध पैसे लगाए, शायद उसका नतीजा था कि आज वो अस्पताल की मालकिन होने के बावजूद अपने अस्पताल को दूर से देख पा रही थी और शायद कई तरह की जो शायद सपना उन्होंने देखा होगा कि वो एक अस्पताल खोलेंगी और ज्यादा अवैध पैसे की कमाई होगी, चूंकि पल्स अस्पताल में जिस तरह से मरीजों के जेब पे डाका डाला जाता है, कोरोना के संक्रमण काल में रेमडेसिविर जो है वो बेचा जाता था। जी जी जी, जाहिर तौर पर सत्यव्रत जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी कि किस तरह से पल्स को वो निहार रही थी कि शायद पल्स को बनाने के लिए वो भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत आपका, शहनवाज आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने रहे, इस कड़ी धूप में भी आप हमारे साथ बने रहे और न्यूज 11 भारत के दर्शकों तक सूचनाएं और तस्वीरें पहुंचाते रहे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।